हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आज इस दिन की शुरुआत हम इस कड़क चाय से कर रहे हैं और आज एक्चुअली मेरी दो क्लासेस है तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं जिसपे मैं दिखाऊं कि मेरा दिन कैसा जा रहा है और मैं आप लोगों को भी शामिल करूं अपनी लाइफ में। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:11 और हमें अभी रेडी होना है चाय खत्म करने के बाद। बेसिकली मेरा दिन सुबह का ऐसा होता है कि मैं सुबह 5 अराउंड उठती हूँ और फिर उसके बाद मैं अपनी चीज़ें समेटती हूँ और फिर मैं कोशिश करती हूँ मैं 10 तक मेडिटेट करूँ, क्योंकि वो फिर मुझे हेल्प करता है फोकस करने में मेरे क्लास स्टडीज़ के लिए और आई फील गुड आफ्टर दैट। उसके बाद मैं अपने लिए जो एक दिन पहले मैंने अपने टैब में नोट किया होता है कि मुझे आज मेरा रूटीन कैसा होगा, आज क्या क्या मेरे टॉपिक्स है, क्या पढ़ना है मुझे, तो मैंने एक दिन पहले रात को सोने के मैंने नोट किया होता है तो मैं वो चेक करती हूँ और मैं एक क्विक रिवीजन लेती हूँ जो आज हमारा जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं टीचर्स उसके बारे में थोड़ा सा देखने का, क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है। प्री प्रिपेयर्ड होके जाना डेफिनेटली हेल्प्स यू अ लॉट इन स्टडीज। और फिर उसके बाद ये सब करने में मुझे 30 मिनट लगता है। उसके बाद मैं फ्रेश होती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ, उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ अपने लिए, चाय पीती हूँ सुकून से। फिर उसके बाद जैसे 6:30 हैं, फिर उसके बाद मैं तैयार होने के लिए जाती हूँ। 7 तक मैं घर से निकल जाती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से एक्चुअली मुझे बस लेना पड़ता है मेरी यूनिवर्सिटी तक का, क्योंकि फर्स्ट क्लास मेरी है आपकी पेडियाट्रिक सर्जरी की और उसके बाद मेरी क्लास होती है हॉस्पिटल में जो लगती है इन्फेक्शियस डिपार्टमेंट है वो पेडियाट्रिक्स का। तो जो हॉस्पिटल में मेरी क्लास लगती है वो सेकेंड हाफ में होती है और जो फर्स्ट हाफ की क्लास आज है मेरी ऑपरेटिव सर्जरी की, तो उसके लिए मुझे यहाँ से बस मिलती है जो कि जिसके लिए मुझे 7 निकल जाना पड़ता है और वो मुझे यूनिवर्सिटी अराउंड 7:45 पहुँचाती है। 8 से मेरी क्लास होती है तो उतने से टाइम में मैं फिर एप्रन चेंज करती हूँ अपना और क्रॉक्स पहनने पड़ते हैं हमें, फिर हम क्लास अटेंड करते हैं और फिर वहाँ से निकलते हैं अपनी सेकेंड क्लास के लिए। तो इट वुड बी अ ग्रेट डे आई थिंक एंड इट वुड बी वेरी मच फन, क्योंकि आप लोग शामिल हो गए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप देखोगे कि एक दिन मेरे लाइफ का कैसा गुजरता है और एक एक्सपीरियंस बनेगा डेफिनेटली। सो देखते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा जाता है। जल्दी से रेडी होते हैं और निकलते हैं बस के लिए। ये सामने वाली बिल्डिंग मॉर्फोलॉजिकल बिल्डिंग है, इसके अंदर ही हमारी क्लास लगती है। इसके आसपास में और भी बिल्डिंग्स है जहाँ पे सेपरेट क्लासेस लगती है, तो आज फिलहाल हमारी क्लास इस बिल्डिंग के अंदर है और मैं इसके अंदर अभी जाऊँगी, बट अंदर शायद मैं बात ना कर पाऊँ तो मैं आप दिखाऊँगी आपको अंदर का कैसा होता है और हमारा क्लास कहाँ है।
हमारी क्लास खत्म हो चुकी है, अभी ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं और एक घंटे में हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है पेडियाट्रिक सर्जरी की, तो वो काफ़ी दूर है यहाँ से। उसी में हमें यहाँ से ट्रांसपोर्ट के लिए जाना भी है और हमें कुछ खाने भी जाना है। तो चलते चलते देखते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के थोड़े से अंदर का कैसा है यहाँ पे ग्राउंड या यहाँ पे आसपास का नज़ारा कैसा है। बहुत ही अच्छा वेदर है, गर्मी है, कल कंपैरेटिवली गर्मी नहीं थी, कल बहुत ठंड थी। तो यहाँ के मौसम का कुछ समझ में नहीं आता है, कभी ठंडी कभी गर्मी, आजकल तो हर जगह ये चल रहा है। लेकिन ये बताती हूँ आपको कि ये जो पार्ट है हमारी यूनिवर्सिटी का बाहरी पार्ट है, यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं कंपैरेटिवली, और जो मेन बिल्डिंग है वहाँ पे मेन सब्जेक्ट्स किए जाते हैं। और बट हम फोर्थ ईयर में हैं तो हमारी मोस्टली क्लासेस हॉस्पिटल्स में लगती है, यूनिवर्सिटी से साइंस सब्जेक्ट्स के लिए आते हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक कैंटीन भी है छोटा सा अंदर के तरफ में, वहाँ पे मोस्टली लोकल डिशेज ही मिलते हैं, कॉफ़ी मिलती है। तो कभी हमें अर्जेंसी होती है या फिर हमें टाइम नहीं होता है खाने पीने का कुछ भी, बीच में थोड़ा ही गैप मिलता है, तो कभी कभार हम यूनिवर्सिटी वाला कैंटीन चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे खाने के इतने ऑप्शंस नहीं है हमारे लिए। बट जो सब कुछ हर एक टाइप का मीट प्रेफर करते हैं खा पाते हैं उनके लिए ठीक है। अभी हम यूनिवर्सिटी से बाहर आ गए हैं और अभी हम बस स्टैंड पे जाएंगे जहाँ से हमें बस लेनी है अपने नेक्स्ट हॉस्पिटल के लिए। अगर टाइम बचा तो हम वहाँ पे आसपास में कुछ खाने के लिए देख सकते हैं, अगर नहीं रहा तो फिर ऐसे क्लास में बैठना होता है, कुछ टिफ़िन कैरी करते हैं हम, वो खा लेते हैं। तो चलते हैं बस स्टॉप की तरफ। हम बस स्टॉप पे हैं अभी और हमारी बस के लिए हम वेट कर रहे हैं। यहाँ पे बसेस की वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस बहुत सारे होते हैं, हम ले सकते हैं आराम से, ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि ट्रैवलिंग में बहुत टाइम लग जाता है, जैसे कि हमारा कट टू कट हो जाता है क्लास शुरू होने से लेकर के वहाँ पहुँचने तक का, 1 से 1.5 घंटा हमें बस ट्रैवलिंग में लग जाता है अगर हॉस्पिटल्स दूर है। बट इट्स ओके आई थिंक, क्योंकि ये बीइंग अ स्टूडेंट ये बजट फ्रेंडली भी होता है, अगर हम एक टैक्सी करके जाते हैं हॉस्पिटल तक वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है हमारे लिए, तो बस इज़ द बेस्ट। तो अभी बज रहे हैं 12:40 और 1 बजे से हमारी क्लास शुरू होती है। हम अभी करेंटली रीजनल हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमारी क्लासेस लगती है। तो अभी सामने वहाँ पे
इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट है और पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है और इस बिल्डिंग में हमारी कार्डियोवास्कुलर सर्जरी की क्लासेस लगती थी। तो 1 बजे से हमारी क्लास शुरू है, उसके पहले हमें वहाँ पहुँचना है उस बिल्डिंग तक। हमें अपना एप्रन पहनना है, अपने क्रॉक्स चेंज करने होते हैं, जूते चेंज करके क्रॉक्स में बदलना होता है और फिर हमें क्लास के लिए जाना होता है। तो जल्दी चलिए। पहुंच गए हैं और इसके अंदर जाते ही हमारा हॉस्पिटल हमें चेंज वेंज करना होता है, उसके बाद हम क्लासेस के लिए जाएंगे। लेकिन मैं आपको अंदर नहीं लेके जा सकती बिकॉज प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल है तो ऐसे वीडियो नहीं बना सकते। तो उसके क्लास के बाद वापस से मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, अभी बज रहे हैं शाम के 6 और हमारी क्लासेस हो चुकी है ख़त्म। हमें लगी है भूख और बहुत थकान हो चुकी है दिन भर के बाद। तो अभी हम जाएंगे घर और उसके लिए हम यहाँ से बस स्टॉप से हमें बस लेनी होती है, तो बस लेकर के फिर हम घर की तरफ चलेंगे। आप भी चलो हमारे साथ, आ जाओ। सामने बस स्टॉप है और यहाँ पे हम अभी वेट करेंगे बस का, होपफुली जल्दी आ जाए क्योंकि कभी कभार थोड़ा लेट भी हो जाता है। तो देखते हैं, वेट करते हैं बस। अभी हम बस स्टॉप की वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं, अभी हम बस का वेट कर रहे हैं, हॉस्पिटल से घर जाएंगे। बस स्टॉप से मैं उतर चुकी हूँ, अब घर की तरफ जा रही हूँ। आज का दिन बहुत लंबा और थकाने वाला था। जनरली हमारी जो अभी सर्जरी की क्लासेस लग रही है वो इसी टाइम तक ही लग रही है। सुबह 7 बजे निकलते हैं हम लोग और घर वापस आते 7 बज जाते हैं। अभी भी शाम के 7 बज ही गए, तो टाइम लगता है बस का ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के। और हॉस्पिटल्स में जो टाइम पीरियड होता है एक डिपार्टमेंट में एक सब्जेक्ट का, वो 6-6 घंटे के अराउंड होता है जब हमारी क्लासेस लगती है। तो कल वीकेंड है, कल होपफुली अच्छा कुछ करेंगे, कुछ आराम करेंगे और कुछ मज़ेदार भी करेंगे। तो चलते हैं अभी घर जाके चाय बनाएंगे, थकान को मिटाएंगे एंड व्हाट्स बेटर देन अच्छा। एक प्याला चाय ही एक ऐसी चीज़ है जो शायद घर की याद दिलाए और सुकून पहुंचाए। तो चाय मेरे लिए जज्बात है। आई होप मोस्टली लोग अग्री करेंगे जो मेडिकल फील्ड में है कि उनके लिए चाय या कॉफ़ी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही चीज़ है जो हमें पूरे दिन एक्टिव रखता है या फिर यू नो इट बूस्ट्स अप।
boosts up your activity somehow. Anyways, cheers. और ये शाम enjoy करते हैं. Sunset हो रहा है अभी, तो बहुत soothing और relaxing है. दिन में हर मतलब पूरे दिन क्लास होने के आने के बाद चाय बना के मैं यूजुअली इधर ही बैठती हूँ और इन्जॉय करती हूँ. कभी घर पे भी बात करती हूँ चाय पीते पीते. और चाय पीने के बाद मैं पढ़ने बैठती हूँ थोड़ा ब्रेक ले करके, और फिर खाना खाती हूँ, खाना बनाती हूँ डिनर, और फिर सो जाती हूँ. और फिर कल सुबह उठ के वापस से पढ़ाई करके फिर उसके बाद अपना मॉर्निंग रिचुअल करके फिर उसके बाद क्लास के लिए वापस जाती हूँ. सो यही होता है एक, इट्स जस्ट अ डे इन माई लाइफ. एवरी डे इज़ नॉट द सेम. हर दिन एक जैसा तो नहीं होता, हर दिन कुछ अलग होता है. सो आज का दिन मेरा एटलीस्ट ये था. आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव था मेरा, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा देख करके कि एक दिन मेरी लाइफ का ऐसा होता है. दैट्स इट, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इस चाय की इस चुस्की के साथ बाय बाय.